हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एलएम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने ऑल स्टेट पीसीएस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज लेकर आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं, और उसी सीरीज का आज ये आठवां सीरीज है। हमने ऑलरेडी अभी तक 7 सीरीज को डिस्कस कर लिया है, और सारे सीरीज जो एक दूसरे से रिलेट है। यदि आपने उस सीरीज को नहीं देखा है तो आप जाके सबसे पहले उसे देखें, उसके बाद ही इसे देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और इस सीरीज में अभी हम फिलहाल एंशियंट हिस्ट्री को शुरू किए हुए हैं, इसके बाद हम मिडिल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर बारी बारी से अलग सब्जेक्ट को लेके आएंगे, ठीक है। और एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम आज जैन और अन्य जो धर्म है, जैसे शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अभी तक चाहे यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन हो, चाहे अन्य स्टेट पीसीएस, चाहे जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएस, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, ताकि आप यह समझ पाएंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना पढ़ना है, किसे छोड़ना है, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है, आयोग किस प्रकार से सोचता है, ये सारी चीज आप यहाँ पे समझ पाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से एक जैन तीर्थंकर हैं। अलग अलग, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी तक 24 तीर्थंकर हुए, कितना 24 तीर्थंकर जैन के जो है। सबसे पहले तीर्थंकर की आदि बात किया जाए तो वो ऋषभदेव थे। कौन? ऋषभदेव। और अंतिम जो तीर्थंकर है वह है आपका महावीर। प्रथम कौन है, पहला यदि पूछा जाए तो वो ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव, ठीक है। लेकिन अंतिम तीर्थंकर जो 24वें तीर्थंकर है वो आपके महावीर हुए। कौन हुए? महावीर, ठीक है। तो इसी प्रकार से टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से ऋषभदेव, आदित्यनाथ, संभव हो गया, उसके बाद आपका अरिष्ट नेमी हो गया, चंद्र प्रभु हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर थे, और इन्हीं का नाम देकर आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन तीर्थंकर है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिरथ सिद्धांत अर्थात सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है। अर्थ ये त्रिरथ जो है ये जैन धर्म के कहलाते हैं। किसके कहलाते हैं? जैन धर्म के। जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न जो है वो सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान है, ठीक है। सम्यक का मतलब होता है सच्चा, अच्छा, ठीक है। अर्थात आपको अच्छा चीज को धारण करना है, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, आपको ज्ञान, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, ठीक है। और ये सारे जैन धर्म से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया। जैसा कि आप लोगों को देखे थे बौद्ध धर्म के सीरीज में कि बौद्ध धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान को निर्वाण के नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार जैन धर्म में यह कैवल्य, क्या? कैवल्य शब्द प्रयोग किया जाता है। किसका? पूर्ण ज्ञान से। जब कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है, तो उसे कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। नेक्स्ट है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, ठीक है। तो महावीर का प्रथम अनुयायी था उसी का दामाद जामाली। कौन? जामाली, ठीक है। जामाली आपको यहाँ कुछ महावीर से रिलेटेड जो और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस कर दो। सबसे पहले महावीर का जो जन्म हुआ था 540 BC में ईसापुर में हुआ था, और वह हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम, ठीक है, कुंडग्राम। और ये पड़ता है आपका वैशाली बिहार, ठीक है, वैशाली बिहार में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था, पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ, ठीक है। और माता का नाम था, माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला, जो चेटक, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। यह हुए जन्म का हुआ 540 BC में, कहाँ पे हुआ? कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। इसके अलावा और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पत्नी का नाम, ठीक है, क्या? पत्नी का नाम, पत्नी का नाम था यशोदा, और इनसे इन्हें एक पुत्री हुई थी, और उस पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी। क्या? प्रियदर्शिनी, ठीक है। और उसी का पति था जामाली, उसी का पति था जामाली, ठीक है। महावीर की पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी, उसका पति था जामाली, और यही महावीर का प्रथम अनुयायी बना था। समझ में आ गया आपको, ठीक है, राइट। तो महावीर जो स्वामी हैं ये जो है 30 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिए थे, और इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो इनके जो बड़े भाई, जिनका नाम था बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या था? नंदीवर्धन, ठीक है। इनसे इन्होंने आग्रह किया, और इनसे अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। फिर ये जो है रिजुपालिका नदी के तट पर, ये भी पूछा जाता है किस नदी के तट पर उन्होंने तपस्या किया था, तो रिजुपालिका, क्या? रिजुपालिका नदी के तट पर जो है इन्होंने कठिन तपस्या किया था,
और उस पेड़ का नाम था साल, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। वृक्ष कौन सा था? साल वृक्ष के नीचे इन्होंने कठिन तपस्या किया था, तब जाके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाया, क्या कहलाया? जिन कहलाया। जिन का मतलब होता है विजेता, ठीक है, राइट। तो इतने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं महावीर से, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना है, महावीर का बचपन का नाम जो था, महावीर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था? त्रिशला था, ठीक है। और इसकी पत्नी का नाम यशोदा था और इसकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, ठीक है। इसके अलावा जो है महावीर का बचपन का नाम जो था वर्धमान था। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। रिजु पालिका नदी के तट पर इन्होंने तपस्या किया था साल वृक्ष के पास में, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जीत काल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है आपका 14 पूर्व कहलाता है, ठीक है। और ये जैन ग्रंथ है कौन? 14 पूर्व। कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग जो है आपका थेरी गाथा जो है आपका जैन साहित्य का भाग नहीं है, ये बौद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्धमगधी में लिखा, आप खुद सोचिए जिसका जो मगध में इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ था, तो ये मगध अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, जिन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम संपादन हुआ था, तो उस सभा क्या था? तो वो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र मतलब उस समय का मगध, मगध और अभी का बिहार, ठीक है। ये सबसे पहले समझने वाली बात है कि श्वेतांबर और दिगंबर बना कैसे, ठीक है। तो क्या हुआ इसके पीछे की मैं कहानी बताता हूँ। क्या हुआ कि 300 ईसा पूर्व, मान लीजिए 300 BC में क्या हुआ, मगध में क्या होता है, भयंकर अकाल पड़ता है, वो भी लगातार 12 वर्षों तक, ठीक है। और उस समय जैन से दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, एक भद्रबाहु एक स्थूल भद्र। कौन? पहला जो था भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु, और दूसरा था स्थूल भद्र। कौन था? स्थूल भद्र, ठीक है। ये दोनों जैन धर्म के उस समय प्रमुख थे। तो क्या हुआ जब मगध में अकाल पड़ा, वो भी 12 वर्षों तक लगातार, तो क्या हुआ इसमें भद्रबाहु जो है अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चला जाता है। भद्रबाहु जो है अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चला जाता है और स्थूल भद्र जो है उस समय वही मगध में ही रुक जाता है, ठीक है। फिर जब स्थिति सामान्य हुई, अकाल धीरे धीरे खत्म हुआ, तो भद्रबाहु जो फिर से वापस कहाँ पहुंच जाता है? मगध पहुंच जाता है। तो आपको खुद समझिए कि जो व्यक्ति दुख में छोड़ के चला गया था, विपत्ति में छोड़ के मगध को चला गया था, अपने अनुयायियों को छोड़ के चला गया था, बाद में वो उसे ग्रहण करने से तो इनकार कर देंगे। तो जब ये भद्रबाहु वापस आया कहाँ पे? मगध में, तो वहाँ के लोग उनका विरोध करने लगे, उनके जो अनुयायी थे उनकी विचारधारा से यह सहमत हो गए, उनमें विभिन्नताएँ आ गई, ठीक है। तो इसके कारण परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जैन जो धर्म है, जैन धर्म दो मत में यहाँ पे विभक्त हो गया। पहला कहला श्वेतांबर, पहला क्या कहलाया? श्वेतांबर। भद्रबाहु जो भद्रबाहु का था वो आपका कहलाया दिगंबर, और अस्थूल भद्र का जो कहलाया वो श्वेतांबर, ठीक है। तो अस्थूल भद्र का क्या कहलाया? श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु का था वो कहलाया दिगंबर। क्या कहलाया? दिगंबर। अब कहेंगे श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, तो नाम से ही स्पष्ट है। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र को धारण करता है वो श्वेतांबर कहलाता है, और दिगंबर जैन मुनि में क्या होता है, ये नग्न अवस्था में रहते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे जैन मुनि नंगे रहते हैं, तो वो दिगंबर मत से हैं, ठीक है। तो जो ये, और इसके मुखिया कौन थे? भद्रबाहु, और स्थूल भद्र कौन थे? श्वेतांबर, जो कि श्वेत कपड़े को धारण करते हैं। तो ये इनकी कहानी थी श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त होने का, ठीक है। नेक्स्ट है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मैं बताया आपको, श्वेतांबर का कौन था? स्थूल भद्र, और दिगंबर का भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जैन धर्म में किया था। अनुव्रत सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्यादवाद सिद्धांत किससे है? तो स्यादवाद भी आपका जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद जो है निम्नलिखित में किसका एक क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? ये भी आपका जो है जैन मत से संबंधित है, और ये जो सिद्धांत है जैन धर्म का है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जिस प्रकार से दिगंबर श्वेतांबर, उसी प्रकार यापनीय जो है जैन धर्म का ही एक संप्रदाय है। नेक्स्ट है,
बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, ठीक है, तो आजीविकों ने जो है बराबर की गुफाओं का आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किया था। और ये जो बराबर की गुफा है ये अशोक ने बनवाया था, ये बराबर की पहाड़ियों पर बनवाया था किसने, अशोक ने बनवाया था। और यहाँ पर एक्चुअली चार गुफाएं हैं, कितनी गुफाएं हैं, चार गुफाएं हैं। पहला गुफा का नाम है आपका कर्ज, क्या कर्ज। दूसरा गुफा का नाम है आपका चोपार, क्या नाम है, चोपार। तीसरे गुफा का नाम है सुदामा, ठीक है, और चौथे गुफा का नाम है विश्व झोपड़ी, क्या विश्व झोपड़ी। ये चार गुफा बनाया था किसने, अशोक ने बनाया था, किसके लिए बनाया था, आजीविकों के रहने के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पूछा ना कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके लिए, आश्रय गृह के लिए किया, आजीविकों के लिए, ठीक है। किसने बनवाया था, अशोक ने। कितने वहां गुफाएं बनाए गए हैं बराबर की पहाड़ियों पर, चार गुफाएं, उनका नाम क्या है, कर्ज, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो आजीविक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं मखली गोसाल है, कौन है, मखली गोसाल। ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है, और ये जो है आजीविकों का कहना था, ठीक है। व्यक्ति जो भी है भाग्य के बल पे है, वह कर्म से कुछ नहीं कर सकता है, व्यक्ति अपनी कर्म से कुछ नहीं कर सकता, भाग्य के द्वारा ही वो सब कुछ निर्धारित है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, कर्म से आदमी भाग्य को बदल सकता है। गीता में भी कहा गया है कि भाग्य जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा संप्रदाय है जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। देखिए उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से, भाग्य की बोल दीजिए या नियति कह लीजिए, ये दोनों आजीविकों का ही मानना था कि नियति की अटलता होता है, वो कर्म पर विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। जैन का मक्का भी जो कहा जाता है उस समय शिखर जी को कहा समय, और ये पारसनाथ और ये गिरिडीह जिला झारखंड में है, कहाँ पे है, ये झारखंड में है, ये झारखंड में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है, क्या गिरिडीह, आप भली बात इससे परिचित होंगे, वहीं पे ये पारसनाथ है की पहाड़ी, पारसनाथ जगह है, वहीं पे एक समय शिखर जी नाम का एक पहाड़ी है जिसे जो है पारसनाथ से संबंध है ये, और इसे मक्का का सिद्ध क्षेत्र बोला जाता है, मक्का का सॉरी जैनों का मक्का भी कहा जाता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है अहिंसा है, जिस प्रकार बौद्ध किस पर डिपेंड था, बौद्ध धर्म का सबसे आधारभूत जो सिद्धांत था वो क्या था, अहिंसा। उसी प्रकार जैन का भी आधारभूत सिद्धांत कह लीजिए, बिंदु कह लीजिए, वो अहिंसा था, अर्थात वो हिंसा करने पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, किसी की हत्या करना घोर अपराध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता था, ठीक है। तो ये जो है जैन धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता था, और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन 2014 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु में जो है किस नगर में हुई थी, तो महावीर जैन की जो मृत्यु है वो पावापुरी में हुआ था, ठीक है। पावापुरी जो कि कहाँ पे है, बिहार में है, आप लोगों को मालूम ही होगा, ठीक है। और इस पावापुरी में हुआ था, और ये 527 बीसी में हुआ था, कब हुआ था, 527 बीसी में 72 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। महावीर का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, और इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 540 बीसी में, ठीक है, 540 बीसी में जन्म हुआ था, और 527 में ये क्या हुआ, इनका मृत्यु हो गया, ठीक है, राइट। और इसके अलावा क्या है, और इनका जो कार्तिक अमावस्या के दिन में इनका मृत्यु हुआ था, कहाँ पे हुआ था, पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ था, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार उनका क्या मानना है कि सृष्टि की जो रचना है, पालन पोषण हुआ, यह किससे हुआ है, तो ये जो हुआ है आपका सार्वभौमिक विधान से हुआ है, जो यूनिवर्सल लाभ है, यूनिवर्सल जो लाभ है उसके अनुसार हुआ है, ठीक है। उनके अनुसार इनका लालन पालन और संरचना होता है, वो देवताओं पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली जो है वो क्या है, तो वो कौशाम्बी में जो है बौद्ध एवं जैन दोनों की जो है तीर्थस्थली है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किस लिए जानी जाती है, तो ये बाहुबली, आप मूवी में भी देखे होंगे, तो ये महामस्तकाभिषेक जो है बाहुबली से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है,
श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? ठीक है, श्रवण, ये भी पूछा जाता है श्रवण बेलगोला कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है। सबसे पहले कहाँ पे? कर्नाटक में है, ठीक है। और इसकी जो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है, ये चामुंड राय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चामुंड राय ने। और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट है, प्रभासगिरी किसका तीर्थस्थल है? प्रभासगिरी किसका तीर्थस्थल है? तो ये प्रभासगिरी जो है जैन धर्म से रिलेटेड एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। नेक्स्ट है कि कुंडलपुर जन्म स्थान है, ठीक है, कुंडलपुर या कुंडलवन, ये जो है आपका महावीर स्वामी का, आपको बताया कि कुंडग्राम, कहीं पे आपको कुंडलपुर मिलेगा, कहीं पे कुंडग्राम मिलेगा, क्या कुंडग्राम, यहीं पे महावीर का जन्म हुआ था। कब? 540 BC में, ठीक है। डेट आपको अलग अलग मिल सकते हैं अलग अलग पुस्तक में, तो डेट जनरल नहीं पूछा जाएगा आपको, यह स्थान जरूर ध्यान में रखें। और ये कुंडलपुर कह लीजिए या कुंडग्राम जो है महावीर स्वामी का जन्म स्थान था, ठीक है, जो कि वैशाली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, महावीर का प्रथम शिष्य आपको बताया जमाली, जो उसका दामाद था, उसकी पुत्री थी प्रियदर्शनी, उसी का पति था जमाली, और यही महावीर का प्रथम शिष्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ ऋषभ देव होगा, ऋषभ देव, ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर थे। महावीर जो है 24वें थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर महावीर हैं। और पहले प्रथम जो है या प्रथम पूछा जा रहा है, तो ये ऋषभ देव होंगे, ठीक है, ये महावीर ऑप्शन ये जो है 24वें के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ठीक है, समाधि मरण जो है ये आपका जैन दर्शन से संबंधित है। इसमें क्या होता है, मरने से पहले लोग समाधि ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, जब वो ज्ञान केवल प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, समाधि ग्रहण कर लेते हैं और अपना खाना उना सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं और समाधि ले लेते हैं, ठीक है, और अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और ये जैन दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित था? तो ये तीर्थंकर जो है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है, वाराणसी से संबंधित थे। कहाँ से थे? वाराणसी से थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है? ये जैन धर्म से लगभग क्वेश्चन समाप्त हुए। अब हम ये शैव धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती, अब देखेंगे बहुत सारे फोटो में या फिर देखेंगे जहाँ शिव जी का मूर्ति होता है जिसमें आधा शिव और आधा पार्वती दिखाई देता है, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? ठीक है, तो ये जो है देव और उसकी शक्ति का प्रयोग है, ठीक है, देव और उसकी शक्ति, अर्थात इसमें माना गया है कि पार्वती के बिना शिव अधूरा है, पार्वती उनकी शक्ति है, ठीक है, अर्थात शिव में जो है पार्वती विद्यमान है, ठीक है, तो देव और उसकी शक्ति का योग ही अर्धनारीश्वर की मूर्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ठीक है, भारत में शैव संप्रदाय जो है, ये मत मयूर जो है शैव संप्रदाय से संबंधित था। ये आपको अलग अलग पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, शैव संप्रदाय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं थे? ठीक है, अलवार के संत नहीं थे, तो अलवार के बहुत सारे संत हुए, तो उसमें ऑप्शन में जो है तिरुमयी जो है, तिरुमंगई जो है, ये अलवार संत नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनार कौन थे? तो नैनार जो है शैव धर्म को मानने वाले अनुयायी थे, और उसी को कहा जाता है नैनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैनार, ठीक है। नेक्स्ट है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी जो है वो आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष वहाँ रथ यात्रा निकलता है, ये किसके सम्मान में निकाला जाता है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में यह निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में जो कुंभ मेला है गोदावरी नदी के तट पर लगता है, नासिक का कुंभ मेला जो है गोदावरी नदी के तट पर लगता है। नेक्स्ट है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक जो है कृष्ण को माना जाता है, कृष्ण को ही भागवत धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? जो वासुदेव कृष्ण की जो पूजा सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो ये किया था भागवतों ने, क्योंकि उन्होंने भागवत धर्म की स्थापना की थी और भागवत धर्म के जो अनुयायी थे उनकी पूजा करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ठीक है, किस ग्रंथ में देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन है? तो ये छंदोग्य उपनिषद
छंदोग्य उपनिषद में जो है कृष्ण का वर्णन मिलता है, ये पहले के सीरीज में भी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो भागवत में भक्ति के रूपों की संख्या जो है वह 9 है। कितनी है? 9। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? ठीक है, कला में हल, तो आपको मालूम है कि जो बलराम था कृष्ण का भाई, वो हमेशा हल लिए हुए रहते थे, ठीक है, और इसलिए बलराम को हल से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कमल पर और शेषनाग का छत्र छाया के तले जो है विष्णु भगवान रहते हैं, ठीक है, तो बलराम जो है हमेशा हल लिए हुए रहते हैं। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो गुप्त साम्राज्य, जो गुप्त वंश था, ठीक है, गुप्त वंश का जो सबसे ज्यादा, आपको मालूम गुप्त वंश के लोग भागवत धर्म को मानने वाले थे, और इन्होंने इसके विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए, ब्राह्मणों को भूमि दान दिया और बहुत सारे इन्होंने उसको बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है, ठीक है, तो आपको मालूम है कि त्रेता द्वापर और कलियुग, ठीक है, ये उनका क्रम है, ठीक है, ठीक है, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, ठीक है, ये चारों युग का इस प्रकार से क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? किसे आस्तिक और नास्तिक कहते हैं? तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि जो भगवान को मानता है, जो भगवान को मानता है उसे हम आस्तिक बोलते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं, या फिर जो वेदों में विश्वास रखता है वो आस्तिक कहलाया, अर्थात जो भगवान में विश्वास करता है वो वेदों में भी विश्वास करेगा, जिसे भगवान में ही विश्वास नहीं वो वेद वगैरह को क्यों मानेगा, ठीक है। तो वेदों की प्रामाणिकता की आस्था के आधार पर ही हम यह मानते हैं कि फलाना व्यक्ति आस्तिक है या नास्तिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? ठीक है, मतलब विष्णु के बहुत अलग अलग अवतार हुए, आप लोगों को मालूम है कृष्णा अवतार, रामा अवतार, ठीक है, अलग अलग अवतार जो हुए हैं, उसमें से किस अवतार में पृथ्वी का उद्धार करते हुए दर्शाया गया है, अंकित किया गया है? तो वराह अवतार जो था वह जो है विष्णु को पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? अर्थात यदि मोक्ष को प्राप्त करना है तो जन्म जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही कर्म करना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और भक्ति करना भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे को समान महत्व दिया है, और ये है आपका भागवत गीता में, ठीक है, आपने बताया ना कि अर्थात जन्म का मतलब है भाग्य से, ठीक है, कि आप कहाँ पर जन्म लेते हैं, तो यहाँ पे भाग के साथ साथ कर्म की महानता को भी दर्शाया गया है, कहाँ पे? भागवत गीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है? तो प्रस्थान त्रयी में जो है भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, जरूर ध्यान में रखिएगा, प्रस्थान त्रयी में, त्रयी मीन्स तीन होता है, ठीक है, तो भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वहाँ 60,000 मुनि जो है उपस्थित हुए थे और उनकी उपस्थिति में जो है संपूर्ण महाभारत कथा का वर्णन किया गया था, और ये किया गया था नैमिषारण्य में, कहाँ पे किया गया था? नैमिषारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? ठीक है, यदि आप रामायण देखे होंगे तो भली बात ही इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, तो ये जो है आपका किष्किंधा कांड जो है वहाँ पे आप देखे होंगे कि जो हनुमान जो है राम से पहली भेंट करते हैं ब्राह्मण के रूप में, ठीक है, जब जो है आपका सुग्रीव को शंका होता है कि कोई बाली तो उसे नहीं भेजा है हम लोग को मारने के लिए, तो वहाँ पर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसकी मनसा क्या है राम और लक्ष्मण की वो जानने के लिए प्रकट होते हैं, और वहीं पे मिलते हैं जिसे हम किष्किंधा कांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज का ये 50-50 सीरीज समाप्त होता है, आपको मालूम हो कि हर एक सीरीज में मैं 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो अभी तक किसी भी स्टेट PCS में क्वेश्चन पूछे ही पूछे गए उसी को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, राइट। तो आज का ये सीरीज समाप्त होता है, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोग का गूगल प्ले स्टोर पर JCST एजुकेशन के नाम से एप्लीकेशन है, जिसे आप डाउनलोड करके फ्री में सीरीज देख सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया रैंक देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर या व्हाट्सएप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स अवेलेबल है, इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।